वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आदित्य कुमार। तो दोस्तों पक्का है कितने बजे मुझे यहाँ से निकलना है, तो निकलना है दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 9:15, तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बाहर भाई साहब धुंध जी पड़ी हुई है, ये देखिए कैमरे से अभी दिखेगी नहीं, मैं सीधे से पैर पाँव थोड़ा सा दिखा दिया कि धुंध यहाँ पर पड़ी हुई है। और अभी मैं तो हो गया हूँ रेडी, पहले तो बाल बना लेता हूँ, उसके बाद फिर नीचे जाके बाइक भी स्टार्ट करनी है और क्या क्या सामान लेके जाना है वो भी देख लेता हूँ। तो बने रही है इसी तरह। सो आई एम रेडी। आज डाल लेते हैं भाई जेब में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर डेली रोज ही पड़ जाती है। तो दोस्तों आज का मौसम भी बहुत ठंडा है और रोज ही कम से कम यहाँ पे 3 या 4 दिन हो गए लगातार धूप आ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया, धूप हमसे नाराज हो गई कि मौसम ही ऐसा है। मतलब बारिश हो जाए तो थोड़ी ठंड कम हो जाए, वैसा भी नहीं हो रहा। मतलब हालत खस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा और ठंड इतनी है कि पूछो ही मत। फिर अपना तो भैया है, टोपू देखना पड़ेगा दोस्त कहाँ पे रखा हुआ है। चलो ये मेरा टोपू, ये घुसा हुआ है ये टोपू और माई गड़पट। तो अभी बन जाते हैं हम भी छोटे से बच्चे, क्योंकि भाई ठंड है, ठंड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो पहले तो लगा लेते हैं इसको, ये अपना मुंह भी और कान धोने में बचाता है। ये देखिए उसके ऊपर इसको लगा लेंगे, फिर ये ऐसे। अब बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये ही मेरा रोज का है दोस्तों, बाइक चलानी है। तो वैसे पैदल जा रहा हूँ तो एक टॉप भी बहुत होता है, पर जैसे ही बाइक चलाते हैं तो फिर हवा आती है और मुंह पे लगती है, तो यार बीमार होने के फुल चांस है। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि भाई काम भी करना है, नहीं तो बीमार रह के छुट्टियाँ करूँगा तो फिर काम कौन करेगा। ठीक है, तो काम भी करना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर निकलते हैं दोस्तों। अभी अपने घर को देख लेता हूँ, कुछ रहा तो नहीं, चाबी आ गई। चलो एक एक चीज़ रह जाती है, मेरी हेलमेट वो ऑफिस में ही रखा हुआ है, उसको वहाँ से ही उठाऊँगा जाके। आइए तो मैंने लगा दिया दोस्त अपने रूम को लॉक, अब निकलते हैं ऑफिस की तरफ। तो यहीं पे मैंने अपनी बाइक खड़ी करी हुई है, तो यहाँ से नहीं दिखेगी। ओह शिट यार, आज तो मैंने बाहर ही रहने दी थी। और दोस्तों मैं एक बात भूल गया था कि मैंने अपनी बाइक ही बाहर ही खड़ी कर दी थी। वैसे रोज़ तो मैं गेट के अंदर ही खड़ा करता हूँ, पर आज बाहर ही रह गई थी। यार शुक्र है कोई उठा के नहीं दे गया। दोस्तों नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए माई 10 Pulsar 150। कम से कम इसको हो गए मेरे पास 2 keys। ये ना गाड़ी रोड के साथ पार्क करी जाए ना, तो गाड़ियाँ जाती और आती रहती हैं, तो फाइनली पता है कि दूर तो बैठेगी। चलो इसको कर लेते हैं पहले स्टार्ट। दोस्तों इसको करते हैं स्टार्ट, पहले तो डाल लेता हूँ ग्लव्स, मेन तो ग्लव्स है।
तू मत गिरना कैमरे। इस बाइक का तो ऐसा है कि सवेरे सवेरे चौक लगानी पड़ती है, तब ये स्टार्ट होती है जाके। कोई बात नहीं करो दोस्त। वेरी गुड, लगी नखरे दिखाने सवेरे सवेरे। सेकंड ट्राई, नो, थर्ड, नो, फोर्थ, नो, नो, नो। कोई बात नहीं, चौक लगा लेते हैं फिर। फिलहाल सब है मेरे पास, इसको क्या होगा? ठंड के मौसम ऐसे ही होता है, स्टार्ट ही नहीं होती। ये भी बोलती है मेरे को बेच दे, नहीं ले ले अब। वो दम है, स्वाद दम है। यस यस यस, गुड गुड। मैं इसका समझ गया, इसका यार कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसकी सर्विस का टाइम हो गया, तो वो करवानी पड़ेगी तभी तो ये जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही। और ठंड का ये ठंड भी इतना ही, इंजन इतना एकदम से ठंडा हो जाता है, फिर स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही एक गर्म करने के लिए इसका टाइम लगेगा। तब तक आप ऐसे बने रहिए। गाइस फाइनली स्टार्ट होगी, बहुत मुश्किल से हुई है, और एक और ट्रिक मिल गई है सवेरे सवेरे मेरे को। मतलब कोई थे यहाँ पे ही साथ में रहते हैं, तो कह रहे थे कि मतलब स्टार्ट ना होए तो गरम गरम पानी कर लेना, मतलब एकदम उबलता उबलता उसके ऊपर इंजन पे डाल दो, फिर स्टार्ट करके देखो, वो स्टार्ट एकदम से हो जाती है। कोई ना, नेक्स्ट टाइम नहीं हुई स्टार्ट तो इस तरह ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं अब ऑफिस के, तो नहीं तो ऑफिस के लिए हो जाऊँगा लेट, क्योंकि फिलहाल अभी 9:35 नहीं हुए, 30 हो गए, तो निकलता हूँ अब जल्दी से जल्दी यहाँ से। तो दोस्तों देखिए सवेरे सवेरे कुछ इस तरह का मौसम है, और रास्ते ही हमारी छोटी सी गलियाँ, और यहाँ से मैं रोज़ निकलता हूँ। जिसको पता ही है कौन सी गली है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों आगे से आ गई थी गाड़ी, तो गाड़ी के चक्कर में मेरे को कैमरा रखना पड़ा। मेरे को मिले, उन्होंने कहा मतलब हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ उनके सामने ही वो रहते हैं, वो कह रहे थे कि जैसे कि कभी किसी की बाइक बंद हो जाए ना, तो इंजन पे ना गरम गरम उबलता उबलता पानी इसमें डाल दो, बाइक एकदम से स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक बार हम भी चेक करके देखेंगे कि रियल में ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने तो सुना तो था नहीं, पहली बार सुना है। और जिसको इस चीज़ के इस नुस्खे के बारे में पता है प्लीज़ यार कमेंट करके वो भी बताएं, सच में ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो गाइस सवेरे सवेरे इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछो ही मत, और अपने तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। और आगे जाके मैं विवेक भाई को भी उठाना है, मतलब अपने साथ लेके जाना है, वो भी रास्ते में ही है, उनको मैंने अभी फ़ोन करा था, तो अभी उनको भी लेना जाके दोस्तों, ठंड है। तो इस तरह बने अब विवेक भाई के पास चलते सीधे, तो बने रहिए इस तरह हमारे साथ। क्या तक आया नहीं है तो दोस्तों उनके पास ही मैं जा रहा हूँ, तो चलिए अब थोड़ा यहाँ से भी निकलते हैं। मेरे को डेली गलियाँ ही देखनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ से ना ठीक रहता है, ऐसे घूम घुमा के मैं जाता भी नहीं हूँ। और पता नहीं विवेक भाई मेरे को रास्ते में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कि वो ऑफिस पहुँच चुके हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार मेरे साथ, वो पहले ही ऑफिस में होते हैं और मैं उनके पीछे चलाता हूँ। मतलब मैं घर से लेट नहीं आता, तो मैं जिस टाइम पे हमें बोला गया है उसी टाइम पे मैं निकल के आ जाता हूँ। और दोस्तों आज मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। एक मतलब वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना सख्त मना है, और वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा है। भाई साहब ऐसा भी कहीं होता है क्या? और वैसे मेरा मतलब ऐसे दिखाने का कोई ये नहीं है, मैं कॉलोनी भी नहीं दिखाऊंगा कौन सी कॉलोनी है कौन सा एरिया है, बस ऐसे ही थोड़ा मजाक के लिए, जस्ट फन दोस्तों। यहाँ भी लिखा है, ये देखिए, यहाँ पर कूड़ा फेंकना
मना है। और ये देखिए ये क्या है, ये है आजकल के संस्कारी लोग, वो कुछ डॉगी पार्टी। तो डॉगी पार्टी सवेरे सवेरे बाइक दौड़ी हुई है, बल्कि इसको देख के इसकी फैमिली मिल की चाय दोस्तों। यार दोस्तों ठंड बहुत है, अभी भी कोई अभी तक नहीं आया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है क्योंकि रास्ते में कहीं दिखे नहीं, और इतने वो भी नहीं है खतरनाक कि एकदम से उड़ के वो भी चले जाए। माय गॉड ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलिए अभी बताओ कौन सी गली है और कहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन मैं नहीं बताऊँगा, जिनको पता है वो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। मतलब इतनी खतरनाक धुंध पड़ी हुई है तो समझ सकते ठंड भी कितनी ज़्यादा होगी, और मेरे तो हाथ भी ठंडे हो गए दोस्तों। तो सवेरे सवेरे इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता ही है और छोटा सा सब्सक्राइब कर दो। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और धुंध के मारे तो मेरी हालत खस्ती हो गई है और बहुत ठंड लग रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो बाइक पर सफ़र करने वालों को तो बोलता हूँ यार पूरे पैक होके चलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी दोस्तों। बहुत ही हार्ड वर्क है दोस्तों ये भी बाइक चलाना सवेरे सवेरे। तो अभी मैं पहुंच गया दोस्तों ऑफिस के बाहर, फाइनली दोस्तों मैं ऑफिस के बाहर पहुंच चुका हूँ। तो ये ऊपर हमारा रहा ऑफिस, और ये हमारे ऑफिस की मार्केट, जो कि मैं आपको हमेशा रात को ही दिखाता हूँ, तो आज को मैं आप दिन में। ये देखिए धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, इससे लग ही जाता है कि मेरा चेहरा दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए बिल्कुल ब्राइट। तो दोस्तों आज का ब्लॉग किस तरह का लगा, पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं सवेरे सवेरे ठंडे में, और हमारी हंसी पे मत जाना, मेरा हमेशा हंसे मतलब ऐसा ही चेहरा रहता है, और आप चाहते होंगे कि हाँ कुछ कर पाए और हमारे लिए नई नई ब्लॉग लेकर आए, आगे कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।